हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि सिद्धि। मैं हूँ आरती और आज मैं आप लोगों को घर पर पड़े बेकार थर्माकोल से वैनिटी बॉक्स बनाना बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड लेंगे, उसके ऊपर हम थर्माकोल का जो शेप है उस शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल साइज़ का है ये। इसे एक साइड से हम इस तरह से जोड़ने के लिए मैं इस स्क्रू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, थर्माकोल के एक साइड पे हम पहले मार्क करके उसे थोड़ा सा जो है कट करेंगे। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें कट करना है यहाँ पे, ताकि जो स्क्रू है वो देखिए इस तरह से फिट आ जाए। थर्माकोल और स्क्रू को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक वायर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम वायर को लगाएंगे। ये देखिए, वायर अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें दो छोटे छोटे नट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, स्क्रू अच्छे से लग गया है। अब हम इस खाली एरिया को भरने के लिए एक दूसरे थर्माकोल को मैं यहाँ कट करके ले रही हूँ। ये देखिए, और इसे हम ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका देंगे। और अब हमने जो कार्डबोर्ड कट किया था उस कार्डबोर्ड को हम स्क्रू के इस ऊपर वाले भाग पे चिपकाएंगे। ये देखिए, ग्लू गम की मदद से मैं यहाँ पे स्क्रू को चिपका रही हूँ। ये देखिए, ये स्क्रू अच्छे से चिपक गया है। ये देखिए कितना इजीली खुल रहा है। और अब हम पूरे बॉक्स को बोरी से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बाहर की साइड पूरे अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, पूरे बॉक्स को मैंने बोरी से अच्छे से कवर कर लिया है। ये देखिए, अंदर की साइड हमने कुछ नहीं लगाया है, अंदर की साइड हम वेलवेट पेपर लगाएंगे। ये देखिए, वेलवेट पेपर को मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था, इसको भी हम ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, वेलवेट पेपर को हमने अच्छे से लगा लिया है। अब ये जो किनारे पे थर्माकोल दिख रहा है, इसमें हम जूट की रस्सी से इसको कवर करेंगे। ग्लू गम की मदद से हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे।
ये देखिए किनारे पे हमने अच्छे से रस्सी को लगा लिया है। अब ढक्कन के किनारे पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे रस्सी को। बॉक्स के पीछे साइड भी हम एक बार इस तरह से रस्सी को लगाएंगे। ये देखिए हमने पूरे बॉक्स के किनारों पे अच्छे से रस्सी को लगा लिया है। अब हम बॉक्स के ढक्कन पे लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस को हमने अच्छे से लगा लिया। अब मैं एक व्हाइट कलर के धागे से बॉक्स पे डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए रस्सी को हमने अच्छे से लगा लिया और ये कितनी खूबसूरत भी लग रही है। और अब हम बोरी का एक टुकड़ा लेंगे। इस पे मैं यू के शेप में ग्लू लगा रही हूँ, ये देखिए। और फिर इसके ऊपर हम वाइट कलर का जो धागा था और रस्सी थी उसे लगाएंगे। इसको इस तरह से लगा के हम थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए सूख गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से पंखुड़ियों को कट कर लिया है। इस तरह से मोड़ करके हमें इसका फ्लावर बनाना है। सुई धागे की मदद से मैं ये फ्लावर बनाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करके हमें इस पे सिलाई करना है।
ये देखिए एक लेयर की फ्लावर बन गई है। अब हम इसमें दूसरा लेयर लगाएंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। ये देखिए फ्लावर बनके तैयार है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, ये देखिए। अब मैं एक और कटी हुई बोरी का पीस लूँगी, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम अच्छे से कट करके हटा देंगे और बीच से हम एक एक करके इसके धागे को निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक करके हमें इसके धागे को निकालना है। किनारे से हमें नहीं निकालना है, बीच से ही हमें धागे को निकालना है। ये देखिए इसके बीच के धागे को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इसको रोल करेंगे। पूरी बोरी को हमें इसी तरह से रोल कर देना है। इसके बाद हम इसके किनारे को धागे से इस तरह से अच्छे से बांध देंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए फ्लावर बनके तैयार है और ये कितनी खूबसूरत भी लग रही है। ये देखिए हमने दो टाइप्स के फ्लावर और ये पत्ते बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने पत्ते बना लिए हैं। अब हम बॉक्स में फ्लावर और पत्तों को अच्छे से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम ग्लू गम की मदद से इसे अच्छे से चिपका देंगे। अब हम इसमें कुछ मोतियाँ लगाएंगे। फ्लावर के बीच में हम बड़ी साइज़ की मोती लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और छोटी मोतियों को हम ग्लू की मदद से बॉक्स के किनारे पे चिपकाएंगे। ये देखिए मोतियों को मैंने अच्छे से लगा लिया है और ये कितनी खूबसूरत भी लग रही है। अब हम बॉक्स का लॉक बना लेंगे। लॉक बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का धागा लूँगी। इसको हम नाप करके अच्छे से कट कर लेंगे और ग्लू लगा के हम रस्सी के किनारों को चिपका लेंगे। अब हम रस्सी को बॉक्स के ढक्कन पे लगाएंगे। ग्लू गम की मदद से हम इसे भी चिपका लेंगे।
अब हम आइसक्रीम स्टिक लेंगे, इसके दोनों किनारों पे हम इस तरह से मार्क करके इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। और अब हम इसके कटे हुए पार्ट पे ग्लू लगा के इसे इस तरह से चिपका लेंगे। और अब हम हार्ट के बीच में आइसक्रीम स्टिक के कटे हुए टुकड़ों को इस तरह से लगाएंगे। अब हम इसको एक पेपर पे रखेंगे और फिर इस पे अच्छे से ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छे से लग गया है और अब हम इसमें ग्लिटर लगाएंगे। ये देखिए ग्लिटर अच्छे से लग गया है और अब हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं। और अब हम वापस से बॉक्स को लेंगे और बॉक्स के ढक्कन पे मैं यहाँ पे ये इलास्टिक लगा रही हूँ। ये देखिए इलास्टिक की मदद से मैंने ब्रश होल्डर बना लिया है। अब हम वापस से हार्ट को लेंगे और ग्लू गम की मदद से हम उसे भी अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए ये खूबसूरत सा वैनिटी बॉक्स बनके तैयार है। ये देखिए आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।